फेसबुक पे कमाना है पैसा, लेकिन ये समझ नहीं आता भैया पेज प्रोफाइल कुछ भी बना तो लिया लेकिन अब जो है पैसा कमाए कैसे, किस टाइप का कंटेंट पे काम करें, कैसे कंटेंट को अपलोड करें ताकि हमारी जो रेवेन्यूज है वो हज़ारों में, लाखों में या उससे भी कहीं ज़्यादा वो पहुँच सके। ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर थीम पे, किस नीच पे काम करें ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। उसके लिए बहुत सिंपल सी, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में हम किन टॉपिक्स पे काम करें, आखिर में कौन कौन सी कैटेगरीज पे काम करें ताकि हमारी रेवेन्यू ज़्यादा हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर टोटल 5 ऐसी कैटेगरी बताने वाला हूँ जिसके अंदर जो रेवेन्यूज़ है ना भैया वो कई हज़ारों डॉलर्स में जाता है। मतलब 100, 200, 500 की बात ही ख़त्म करो, हज़ारों के अंदर बात करो सीधा। और जब हज़ारों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे डॉलर से ना, 82, 81, 83 से चाहे जितने भी रुपए से, तो आपको ये अंदाज़ा लगे कि एक्चुअल में इस पर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और ये पॉसिबल है और लोग पैसा जनरेट कर भी रहे हैं। तो वो पाँचों कैटेगरी आपके लिए, और ये टॉप कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले मैं लाइव प्रूफ को दिखाता हूँ मैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि किस कैटेगरीज पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अभी यहाँ पर एक पेज है और पेज के ऊपर आप देखेंगे लगभग जो है 14.9 मिलियन का, लगभग 15 मिलियन का भी यहाँ पर ट्रैफिक है। और इस 15 मिलियन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 1.2 मिलियन का इंट्रैक्शन, यहाँ पर आपका इंट्रैक्शंस है और फॉलोवर्स 1.3 मिलियन हो चुके हैं। और जो क्लिक लिंक्स के ऊपर जो क्लिक है वो आप देखेंगे 6, 7, 9 एंड मोर। बाकी यहाँ पे मिनट व्यूज़ जो है वो 28 मिलियन का है। अब ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे भैया आपके सामने ये रेवेन्यू, आप ये देखिए डेटा, और देखिए किससे, एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक, देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो पेड आया हो, सारा का सारा डेटा जो है ऑर्गेनिक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अब बात करें अगर यहाँ पे हम रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू पे यहाँ पे वीडियो की अर्निंग्स पे आते हैं, तो अब अर्निंग्स की आप देखेंगे यहाँ पे ये शुरुआत हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं 29 मार्च को ये रेवेन्यू था। अब यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल डाउन था, फिर डाउन था, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंटेंट ही नहीं डाला, और जब कंटेंट नहीं डाला गया तो ये हाल होगा भाई। चाहे आप देखो, अभी सीधी सी बात, अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा किस बात का मिलेगा, जब काम करोगे तो पैसा मिलेगा ना। तो आप देखोगे यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जब कंटेंट डालना स्टार्ट हुआ, तो आप देखोगे 11 से शुरुआत हुआ था, 11 को देखो $54, फिर आप देखोगे 13 को 57, फिर आप देखोगे यहाँ पे 15 को 193, फिर यहाँ पे देखिए अप डाउन, तो ये अप डाउन ये चलता रहेगा। देखिए फिर 197, और इसके 197 के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखो यहाँ पे देखो 342 19 अप्रैल को, और ये देखोगे आप 254, और यहाँ पे एक और डेटा देखो सबसे बड़ा यहाँ पे ये बना है भैया $439 21 तारीख को। तो मतलब ओवरऑल देखोगे आप कि हर दिन रेवेन्यूज बढ़ती गई। फिर यहाँ पे देखिए कंटेंट फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर से कम हुआ, बट ऑलमोस्ट ये रेवेन्यू डल रहा है। तो आप देखोगे 439 मतलब 450 मान लो, 400 मान लो, 8×5=40, कम से कम 40, 42, 43 हज़ार रुपये एक एक दिन के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे रेवेन्यूज कितना बना हुआ है अभी तक का, टिल डेट तक का जो कि 2491। टाइम पीरियड आपके सामने 29 तारीख से लेकर, अगर हम यहाँ पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे 1 से 26 का ले लो, तो आप 1 से 26 का देखोगे डेटा जो आपके सामने आएगा वो आएगा भैया ऑलमोस्ट $2483 का। अब आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई टाइम ले लो, आप मान लो आप देखना चाहते हो 21 को कितना रेवेन्यू था, तो 21 को आप देखोगे आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो 439। अगर आप यहाँ पे 20 को देखना चाहते हो तो 20 पे आपको दिख जाएगा कितना रेवेन्यू था। तो यानी आप ये देखोगे एक एक दिन के अंदर ये रेवेन्यूज घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और ये सारा डेटा है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे 11 से लेकर अगर सिर्फ 26 दिन के अंदर लेते हैं यहाँ पे अगर, तो आप यहाँ पे देखोगे ये मात्र सिर्फ कुछ दिन की रेवेन्यू से देखेंगे आप, 10 से 12, 15 दिन का ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लो। तो ये सब पैसा जनरेट होता है और ये पैसा आप भी कमा सकते हैं। अब इसको अगर आप ये जो रेवेन्यू है ये जो 2435, अगर आप इसको डॉलर टू एनआर करते हैं, अगर आप यहाँ पे डॉलर टू INR, तो आप यहाँ पे 2400 ले लो, ये लो, अगर आप यहाँ पे 2450 का अगर यहाँ पे रेवेन्यू अगर आप यहाँ डालते हो तो कम से कम देखोगे 242,000, ये देखिए 242,000 से प्लस 14 से 15 दिन के अंदर। तो मतलब पॉसिबल है। अब मेन चीज़ ये थी कि भाई हम कैसे कंटेंट, मतलब किस कैटेगरी पे काम करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना, ये सबसे बड़ा डाउट है कि हम किस कैटेगरी पे काम करें ताकि हमारी भी ये रेवेन्यू जो है इस तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इस तरीके से हो, इससे भी कहीं ज़्यादा हो, बट ना भी हो तो कम से कम इस तक तो पहुँच सकें। तो आखिर में किस कैटेगरी पर काम करें ताकि हमारी ये जो रेवेन्यूज़ हैं वो सब जनरेट हो पाए और उसके हिसाब से जो पैसा है वो अच्छा खासा बन सके।
तो इसके लिए वो पांचों कैटेगरीज आपको जानना ज़रूरी है। और देखो उनमें से अगर बात करें तो वो भाई जो पांचों कैटेगरी में से सबसे जो बेस्ट अगर बात करें यहाँ पे मैं मेरे अकॉर्डिंग जो बाकी देखिए ये सबका अपना प्रेस्क्रिप्शन है अपने हिसाब से बंदा जो है अपना वहाँ पे इसको समझ सकता है, बट मेरे हिसाब से जो यहाँ पर अगर बोलूँ कि सबसे पहले जो टॉप कैटेगरी है वो है आपकी कॉमेडी का। देखिए कॉमेडी में होता क्या है, दो चीज़ें होती है, जो कॉमेडी वीडियो होती है उससे भाई सामने वाला बंदा इंटरटेन होता है, तो जाहिर सी बात है उस वीडियो को वो बंदा ज़्यादा देर तक वॉच करता है। आप लाइक कपिल शर्मा शो देखिए, कपिल शर्मा शो जो है लोग कितना अच्छा मतलब कितना देर तक उसको जो भी आता है घंटा डेढ़ घंटे जितनी देर का भी आता है उसको पूरा फुल वॉच करते हैं। तो ओवरऑल देखोगे कि क्योंकि वो आदमी क्या भाई इंटरटेन हो रहा है, आदमी वहाँ पे अपनी टेंशन मुक्त हो रहा है, तो जो कॉमेडी जो कैटेगरी है ना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। जो और आपको मैं ये पेज भी दिखा रहा था ये भी कॉमेडी कंटेंट का रेवेन्यू है जो कि 13-14 दिन का रेवेन्यू है पहली चीज़। तो एक कैटेगरी आ गई हमारे पास में वो है कॉमेडी का। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगर कॉमेडी के अलावा अगर आप दूसरा कोई ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है वो है आपके पास में फूड का, स्ट्रीट फूड। अब स्ट्रीट फूड कौन सा भाई, आपने देखा ये भाई साहब बड़ा फेमस है, ये चाय वाला बड़ा फेमस है, ये मोमोज वाला बड़ा फेमस है, ये चिकन छाप वाला बड़ा फेमस है, यहाँ का ये रसमलाई बहुत बढ़िया है, इधर की चीज़ें ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे तो मतलब ये जो चीज़ है पाव भाजी आपने देखा कितना वायरल हुआ। तो इस तरीके से भाई जो फूड स्ट्रीट फूड है ना बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप खाओगे भी और खाने के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड करके आप उसको अपलोड करोगे ज़बरदस्त रेवेन्यू मिलता है क्योंकि आदमी इसको पूरा वॉच करता है। जब आप प्रोसेस दिखाते हो ना कि जैसे मान लो तंदूरी मोमोज बना उसको आप दिखाओगे मैन्युफैक्चरिंग की भाई ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना, अब उसके बाद में ग्रेवी वगैरह आकर ये रिजल्ट आया तो लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं कि आप फेस दिखाओ, विदाउट फेस लेस ये कॉन्टेंट है ये वाला, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। तीसरी जो कैटेगरी है यहाँ पर भैया वो है आपके पास में हाउ टू वाला, हाउ टू बने DIY, मतलब जो आप देखते हैं कि जैसे हाउ टू वाले में जैसे कि आप मान लीजिए कोई ट्रिक्स बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए कोई डिज़ाइन के बारे में उसको बुनना सिखा रहे हैं, कोई डिज़ाइन बता रहे हैं, कुछ भी जैसे आप देखते हैं कुछ मैकेनिक वाला कोई चीज़ को बना के ऐसे कूड़ा का बाड़ था उसको बना के कुछ इकट्ठा जनरेट कर दिया, या मान लीजिए आप ड्रिल मशीन या कोई भी ऐसे कुछ भी कॉन्टेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें आपने कुछ करके कुछ बना दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि भाई माचिस से लोग ट्रक बना देते हैं, माचिस से ये बना देते हैं, तो ऐसे ना जाने कितनी चीज़ों को यूज़ कर करके वो डिफरेंट चीज़ें खड़ी कर देते हैं कुछ चिपका के इधर करके उधर करके, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। बंदा पूरा वॉच करता है, वो देखेगा कि क्या बना कैसे ये किस तरीके से ये हुआ, वो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करता है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो इसमें चौथी जो चीज़ है वो है भैया मैकेनिकल में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजीनियर है मान लो कोई रिपेयरिंग करता है, मान लीजिए कोई ट्रक बनाता है कोई गाड़ी बनाता है कोई कुछ भी, एक पंजाब से एक भाई हैं वो इंजीनियर हैं, वो मतलब मैकेनिक इंजीनियर हैं, वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बड़े बड़े ट्रक के या बड़ी बड़ी गाड़ियों के उनके मशीन्स को वो बनाते हैं और वही वीडियो वो शूट करते हैं, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई चीज़ अगर कट रहा है, मान लीजिए कि ट्रक है या डंपर है कोई भी चीज़ अगर कटिंग हो रही है कहीं पर, तो उस तरीके के कंटेंट अगर रिकॉर्ड होते हैं ना, तो अब मान लीजिए कि कोई आयरन लोहा को पिघला के कुछ बना दिया, ये ढेर सारी कांच को तोड़ ताड़ के क्रैश करके उसके बाद में एक पूरा बढ़िया सा उसका जग बना दिया पिघला के, देखा होगा आपने बहुत सारी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज़ होता है, कई 100-100 मिलियन 500-500 मिलियन 300-300 मिलियन का व्यूज़ होता है, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। गुड़ कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस दिखाना, आइसक्रीम कैसे बनती है, माचिस कैसे बनती है, ऐसे ना जाने कितने टॉपिक है, बट हाँ इसके लिए आपका वो पर्टिकुलर एरिया में जाना, उसके लिए ट्रैवलिंग, उसके लिए कोस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक सबसे लास्ट और पांचवा नंबर का जो कंटेंट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा है, और वो क्या है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें पैसा खर्च होता है पहले बता दूँ, लाइक शॉर्ट्स मूवी। आपने देखोगे जो शॉर्ट्स मूवी होती हैं उन शॉर्ट्स मूवी के अंदर स्क्रिप्टेड होता है सारा, A to Z स्क्रिप्टेड होता है, मान लीजिए कि सास बहू का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, दुनिया भर का डॉक्टर का हो गया पेशेंट के साथ, तो ऐसे ना जाने कितने कंटेंट बनते जो स्क्रिप्टेड रहते हैं और उसके ऊपर रेवेन्यू ज़बरदस्त। मैं आपको एक स्क्रीन लगाऊंगा आप देख लेना, ये शॉर्ट मूवीज़ के ही रेवेन्यू है, मतलब लगभग राउंड फिगर में 4,000 के राउंड फिगर में ये एक महीने का रेवेन्यू है, ये तो मैं बता रहा हूँ शुरुआती दौर पर, बाकी ऐसे ना जाने कितने टॉपिक्स है जिसपे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट ये कुछ टॉप कैटेगरीज है जिसपे रेवेन्यूज की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट एक चीज़ बताएं भैया, चाहे कोई भी कैटेगरीज में से ले लो सब में पैसा लगता है,
फोर्ड में बात करो उसमें ही पैसा लगेगा, मैकेनिक में जाओगे आप ट्रैवलिंग लगेगा, वहाँ पे जाके आप बातचीत करोगे मे बी वो आपसे पैसा भी लें, एंड मोर बहुत सारा चीज़ वो आपकी कॉल है। तो इन कैटेगरीज को अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्राई करके देखो आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आने वाले टाइम पे मैं और भी टॉप 10 कैटेगरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि बाकी अगर ये नहीं कर सकते तो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि ताकि आप और अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ और अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किस कैटेगरी पर आप काम करते हैं और रेवेन्यू जनरेट होता है या नहीं। बाकी इसके अलावा कोई आपको सलाह, कोई सुझाव, कुछ भी अगर आपको इश्यूज़ है सो डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट www.techrajman.com पे विजिट करके होम पे ही आपको वहाँ पे कॉन्टैक्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉल करेगा वहाँ पे फॉर्म भर के अपना, चार्जेबल है पहले बोल रहा हूँ भैया, कंसल्टेंट टोटली चार्जेबल है, आप वहाँ टाइम बुक करके अपना जो है सजेशन ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर करें, सब तक पहुँचाए, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बाकी भी लोग इसको यूज़ करके अच्छा पैसे कमा सकें। एक इसमें एक सबसे ज़बरदस्त एक रिजल्ट आता है जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं भाई, छोटी छोटी कटिंग का ये सब चीज़, कटिंग वटिंग करके ना शॉर्ट्स वीडियो डाल के आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।